शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड्डू भैया, रातों रात आपकी वैल्यू तो बढ़ गई है। सोने का लिंग, किसी ने ठीक ही कहा है, सोना हमेशा ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है। चुप करो साले, ये हमारे लेने के देने पड़े और तुम्हें मजाक पे मजाक सूझा जा रहा है। भैया मुझे लगता है ये सब आपके लेने की वजह से ही हुआ है। साला भैंसिया की बारात में नाचू, ये रात को हमारे साथ हुआ क्या है? अब यार इसे तो बंद करो, ए यहाँ पे पहले से इतना कंफ्यूजन है, ऊपर से प्रवचन। पुंजी का सलाह, पुंजी का सलाह, बड़ी उछल कूद कर रही है, बंदरिया की तरह, जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा। गुड्डू भैया, हमको समझ में आ गया आपके साथ क्या हुआ है। आपको ना किसी ने शापित किया है। तुम ना साला ये सब देखना बंद करो, भरा गए हो का? अबे असल जिंदगी में ऐसा थोड़े ही होता है। आपके साथ जो ये हो रहा है ये भी असल जिंदगी में नहीं ना होता है। हमको ऐसा लगता है गुड्डू भैया, क्योंकि आपने इतनी लड़कियों के साथ है खेला, ऊपर वाले ने गोल्डन कर दिया है आपका चेला। जब तुम 5-6 साल में कभी पते की बात करते हो ना, तो उसके बाद अपना मुंह बंद कर दिया करो, ताकि सामने वाले को शक ना हो कि गलती से किया है। लेकिन बात पते की है, ऐसा हो सकता है कि हम पे कोई काला जादू कर दिया हो। कलकत्ते का काला जादू तो वैसे भी वर्ल्ड फेमस है, लेकिन हमारे साथ ऐसा करेगा कौन? याद कीजिए ना, कोई ऐसी लड़की है जिसको काला जादू टोना टोटका में इंटरेस्ट हो। हम लड़कियों के शौक पूछने नहीं जाते, अपने शौक पूरे करने जाते। तो अगली बार शौक पूछ लेना, ताकि आपको ऐसा शौक ना लगे। आपको तो याद भी नहीं होगा आपने कहां कहां पे जाके वॉशिंग पाउडर बेचा है। वॉशिंग पाउडर? अरे लड्डू, आज तो तुम खुद का 5-6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दियो। रुको रुको रुको, एक सेकंड रुको, ये देखो इसमें पिछला 3 महीने का दिन दिन का रिकॉर्ड है। लेकिन साला जाके एक एक से पूछना पड़ेगा किसका लिया था, क्या पता। गुड्डू भैया, अगर उससे पहले की कोई हुई तो? साला कभी उम्मीद जगाने की बात मत करना, हमेशा गुस्सा दिलाने की बात याद करना। उल्लू का पट्टा पास द चकना, साला इतना सेक्सी लगेंगे ना कि साफ देने वाली को भी साक लग जाएगा। इतना फुसफुसा के कहाँ जा रहे हैं? छोरियों को मिलने। हैनकॉक लग रहे हैं एकदम। इसका क्या करें लड्डू? कयामत का फन यह गुड्डू की गन। काला जादू? जादू? अरे हाँ, देखो कहाँ हो गया। एकदम ओरिजिनल माल है, ओल्ड इज गोल्ड, चक्रवर्ती मसाई, ओल्ड इज गोल्ड, एंटीक पीस है। अरे बीवी को छोड़कर हर पुराना चीज का वैल्यू है आज की डेट में। बीवी हेलो लाभ कुल्ले। कुरियर आया तुम्हारा, दो। अरे ऐसी भी क्या आग लगी थी कि पर्दे भी नहीं किए। खैर, आपके घर के पर्दे पर पहली बार एक नए उभरते निर्देशक की पेशकश। ए बाबू मशाय, इसे देखकर सच से इनकार मत करना और हमारे फोन कॉल का इंतजार करना। अगले 10-15 मिनट हम
अंदर में जरूरी काम में बिजी रहेगा, डोंट डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब मत करना, आज से पहले हम तुमको कब डिस्टर्ब किया है? मेरे कहने का मतलब है कि मैं अंदर में हूँ, जरूरत हो तो बताना। ठीक है तुम्हारे लिए मैं हूँ एंटीक मोशाई, मुझे पुरानी और अजब चीजें ही भाए और बीबी अपनी उंगलियों पे नचाए। सुनो काजल, देखो हमें माफ कर दो, हम बिना चेतावनी आ गए लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाए। गुड्डू तुम्हें ही खाने की कोशिश, मिस्टर मुखोपाध्याय भीतर में है, तुम अभी जाओ। अरे हाँ हम चले जाएंगे, बस इतना बता दो क्या तुम हम पे कोई जादू की होगा? जादू तो तुम किया हम पे। तुम समझ नहीं रही हो, तुम इसको पूरा देखो, अरे अंदर से देखो समझ में आएगा। अरे देखो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हारे वियोग में गुड्डू के साथ सब घर बैठे। किंतु आनंदो उस समय भी ना हमारा सामने तुम्हारा ही फेस था शांति। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। ये सब गलती मेरी। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ शुद्ध देसी रोमांस करना चाहिए था, लेकिन वो वीडियो में जो आदमी दिखाया वही आदमी अभी आया था ना, वो मेरे रहते हुए इस घर में आता है, इतना बड़ा हिम्मत कौन है? वो कौन है? आनंदो उसको उसकी की का सौजा मिल गया, छोड़ो उसे। क्या मतलब? मेरे बीबी के साथ सोने की कीमत वो सोने से ही चुकाना पड़ेगा। अरे सेट डाउन, मारवाड़ी नाम है मेरा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं दूसरी कमिटमेंट लेता हूँ और उसके बाद तीसरी। क्या है कि आदमी कभी कभी पहली कमिटमेंट भूल जाता है। ये डॉन मड़वाड़ी, इनका दिल है छोटा, बड़ी है गाड़ी और धंधा पूरा सरकारी। अरे बोला ना सेठ, मैं तुम्हारा केस देखता हूँ, टेलीफोन रखो। सर चेतला से निकालू या कालीघाट से? बस तेरी मर्जी। एडी एडी यस बस सैन साहब का फोन था, पूछ रहे थे उनका काम हुआ क्यों नहीं अभी तक। सर बीबीडी बाग से निकालू या हावड़ा से? अबे कहीं से भी ले ले। लेकिन बॉस सेन साहब का कौन सा काम बॉस? अरे सेन साहब को अपने बीवी को उड़ाना था ना, तो अपने लड़के कर क्या रहे हैं इस साल? बॉस लड़कों के पास टाइम ही कहाँ है। सर बेहाला से लूँ या पार्क स्ट्रीट से? सब बेकार है साले, एक नंबर के बेकार। सर 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 लेफ्ट से लूँ के राइट से? टाउन में से ले ले साले। चोर रूबी? अरे रूबी क्या हो गया? मेरा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें हंसी आ रही है? आप बड़े क्यूट लग रहे हो। यस। अरे लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? नहीं मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ। एक मिनट क्या हुआ? पर एक अनजान आदमी हाँ? तुम्हें अपनी दिखाने क्यों आएगा? तुम्हारा उसके साथ क्या कनेक्शन है? तुम उसके साथ सोई हो ना?
आराम को और मैं तेरा वो हाल करूंगा रूबी कि कांप उठेगी तेरी रूबी। माँ की आंख उधर क्या देख रही है? अगर उन बच्चों का ख्याल न होता ना तो कब का तुझे उड़ा दिया होता। सॉरी सॉरी। अच्छा एक बात बता, गुड्डू कब से जानती है तू? गुड्डू को 5 सालों से। और उन बच्चों की उम्र क्या है? कुछ 4 साल और 3 महीने। गुड्डू भैया, आपने कुछ खाया? सुबह से सिर्फ धक्के खाए हैं लड्डू। ओह, शॉप वाली एक भी आइटम नहीं मिली क्या? नहीं रे। ओह, किसी पे शक? अब यार सुबह से जिन जिन के भी घर हम गए ना, वो हमें देखकर इतना खुश हुई है जितना अपने पति को देखकर ना होती। और क्यों ना, छोटी नाटी मोटी बोधी बेटी जवान बूढ़ी, हमने किसी में कोई भेदभाव ना करते हुए सबको सिर्फ खुशियां ही बांटी। फिर हमें साथ देगा कौन? गुड्डू भैया, लिस्ट की जो भी लड़कियां थी वो सारी हो गई क्या? नहीं रे, अभी एक बची। बस वही है फिर। अब अगर वो भी ना हुई ना लड्डू तो इसे पुरानी वाली लिस्ट निकालनी पड़ेगी। अबे कहां फंस गए यार हम। अरे गुड्डू भैया, जब हम उम्मीद जगाने वाली बात करते हैं तो आप हमको सीरियसली नहीं ना लेते हैं। सॉरी। अबे घंटे की उम्मीद जगा रहे हो यार तुम। गुड्डू भैया, वो सुबह एक पत्रकार आया था। क्यों? आपके बारे में पूछ रहा था। अच्छा? हमने कह दिया घर पे नहीं है, लगता है उसको भनक लग गई है। अबे कब तक छुपाएंगे और किससे छुपाएंगे, एक ना एक दिन ये बात बाहर आ ही जाएगी पता है। गुड्डू भैया, इस बात को बाहर आ जाने दीजिए। अगर ये बात बाहर आ गई तो हम इसको चमत्कार घोषित कर देंगे। गुड्डू बाबा का चमत्कार। आइए इस पे दान दक्षिणा चढ़ाइए, दूध जल चढ़ाइए, क्योंकि ये है हमारे गुड्डू बाबा, द लॉर्ड ऑफ द लिंग्स टिंग। मेरा श्राप काम कर गया, मुझ में अभी भी काली माँ की शक्ति है। मतलब हमार मैन पावर को गोल्डन टावर बनाने वाले आप हैं? अरे लेकिन आप तो पुरुष हो, आपको हमने हाथ भी नहीं लगाए, क्यों किया ऐसा हमारे साथ? उनसे क्या पूछते हो, मुझसे बात करो। अरे बोली, अब आप देखिए, अरे नीचे हम बात कर रहे तो आए थे, ये देखो तुम्हारे दादाजी हमारे साथ क्या किए, हमारे मर्दानगी का बुरा हाल कर डाले। अरे जल्दी आओ, अब समझाओ अपने दादाजी को ये सब, शाप वापस लेकर नॉर्मल कर दे हमको, बहुत गलत किया तुम्हारे दादाजी हमारे साथ। और तुमने तुमने सही किया क्या मेरे साथ? तुम भी और जैसे निकले गुड्डू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था बस तुम ही हो। किससे मिलना है? सॉरी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम चलते हैं। अरे पर आपको चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, हमारी गलती है, हमें आना ही नहीं चाहिए था, सॉरी। अरे मिस्टर, आपने दरवाजा क्यों खटखटाया? जी हम गुड्डू हैं, वॉशिंग पाउडर सेल्समैन, पाउडर बेचने आए थे, लेकिन आपको देखा तो लगा कि इतनी खूबसूरत नाजुक सी लड़की से कपड़े धुलवाना क्या, कोई भी काम करवाना पाप करवाने बराबर, और हम ये पाप नहीं कर सकते, चलते हैं। सो सॉरी। एक सेकंड जी, आपका नाम क्या है? अब रहने दीजिए, मत बताइए। असल में इतने प्यार से तरासे हुए मासूम भोले चेहरे का कोई नाम होना ही नहीं चाहिए, बस अदाएं होनी चाहिए,
हंसी की सरगम बजनी चाहिए, रेशमी जुल्फों की घटाएं होनी चाहिए। एक नाम तो इनको बहुत ही छोटा कर देगा रे। चलता हूं। एक और बात जी, अपना ख्याल रखना। खुली आंखों से देखता हूं क्यों खाब आजकल, उसके चेहरे से क्यों है गुलाब आजकल। आज मौसम बड़ा कहाँ रह गई थी तू? उधर देखो, क्या हुआ बेटा? दादू। क्या हुआ? उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं मिला। पूछताछ करने से पता चला कि गुड्डू का काम ही है ये। वो अपने वॉशिंग पाउडर की तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से भोली भाली लड़कियों को पहले भिगोता है, फिर उन्हें निचोड़ता है, और फिर उन्हें सूखे कपड़े की तरह तार पर टांगकर चला जाता है। मुझे सब भोली कहते हैं, पर मैं एक बात समझ गई हूँ कि चालाकी जिंदगी में इंसान को आगे तो जरूर पहुंचा देती है, मगर जब चाल उल्टी पड़ती है ना, तो आदमी इतनी जोर से गिरता है कि आवाज नहीं होती, धमाका होता है। अरे इस धमाका में भी कोई आवाज नहीं आई ना। अरे हमें माफ कर दो भोली, भर दो हमारी झोली। दादाजी आप तो हम मानते हैं अपने मैनहुड का इस्तेमाल रॉबिनहुड बनके किए, लेकिन आप भी तो कभी जवान थे, आपको अपनी जवानी का वास्ता, समझिए ना, माफ कर दीजिए हमें। अरे भोली भोली देखो, हम मानते हैं हमने जो तुम्हारे साथ किया वो रावण ने सीता के साथ और दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ किया था, छल, और इस छल का फल हमें मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा फल जिसे लेकर हमें पल पल निर्बल होकर जीना पड़े, हम ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे भोली। इसीलिए कह रहे हैं प्लीज आप ही शराब वापस ले लीजिए। देखो शराब वापस ले लो, वरना हम अपनी जान दे देंगे। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है, मर जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। रुक जाओ। थैंक यू दादू, इसे माफ कर दीजिए। हाँ नहीं, मेरा शराब वापस नहीं ले सकता, लेकिन लेकिन क्या? प्यार का खेल खेलते आए अब तक तुम सबके साथ, हाँ? अब प्यार तुम्हारा साथ खेलेगा। जाओ, जाकर प्यार की तलाश करो, एक सच्चे प्यार की। जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारा सामने आएगा, उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। सच्चा प्यार? और जब तक वो सामने रहेगा तुम ठीक रहोगे, नॉर्मल रहोगे। पर अगर हमेशा के लिए तुम्हें नॉर्मल होना है तो उस लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। उसकी मर्जी से, उसे मंगल सूत्र डालकर, काम सूत्र डालकर नहीं, साथ फेरे लेने पड़ेंगे, तब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अगर कभी तुमने उसके साथ भी धोखा किया तो तुम्हारा लिंग हमेशा के लिए सोने का हो जाएगा। फिर तुम न रहोगे पुलिंग, न स्त्रीलिंग, आओ त्रिलिंग।
नहीं के इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा साथ देता है का? सच्चा प्यार अब कहां ढूंढे सच्चा प्यार? स्विट्जरलैंड में बर्बाद कर दिया हमको। हम तो तुम्हें समझे थे पंछी सारस, लेकिन तुम निकली पत्थर पारस। भोली सच्चा प्यार